ओम परमात्मने नमः। चौथे अध्याय में सती का अग्नि प्रवेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने देने से रोकने दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाएं इस शंका से फिर लौट जाती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गई। चंचल हो गई बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनमनी हो गई। सजनों के स्नेह बस उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल रोने लगे। उनका शरीर थर थर कांपने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें भस्म कर देंगी। शोक और क्रोध से उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था उन सतपुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेती हुई अपने माता पिता के घर चल दी। सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाते देख श्री महादेव जी के मणिमान एवं मण आदि हजारों सेवक भगवान के बाण वृषभराज को आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षद और यक्षों को साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना पक्षी गेंद दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री श्वेत छत्र चमर और माला आदि राज चिन्ह तथा दुंदुभी शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित हो हुए उनके साथ चल दिए। तदनंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचे। वहां वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले। सब ओर ब्रह्म ऋषि और देवता विराजमान थे तथा जहां तहां मिट्टी काठ लोहे सोने डाब और चरम के पात्र रखे हुए थे। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुईं और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदरपूर्वक गले लगाया। किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेमपूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मानपूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसन आदि को स्वीकार नहीं किया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में जो अनादर हुआ उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोगों को भस्म कर देंगी। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिवजी से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा। देवी सती ने कहा कि पिताजी भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों की प्रिय आत्मा है। उनका न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है। एतव उनका किसी भी प्राणी से वैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप हैं। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा। द्विजवर आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में ही दोष ही देखते हैं किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही दूसरों के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं वे सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आपने ऐसे महानुभाव
महान पुरुषों पर भी दोषारोपण ही किया। जो दुष्ट मनुष्य इस सब रूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्ष्या व सर्वदा हो महापुरुषों की निंदा करें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध को नसयन कर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है, जिनका शिव यह दो अक्षरों का नाम प्रसंग वश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। अहो, उसी पवित्र कीर्ति मंगल व भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं, अवश्य आप अमंगल रूप हैं। अरे महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरणारविंद सकाम पुरुषों को उनके अभीष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप बैर करते हैं। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं, उनका वेश अशिव रूप अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरा कोई देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव संसार भूमिस्थ नरमुंडों की माला चिता की भस्म और हड्डियां पहने जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ शमशान में निवास करते हैं, उन्हीं को चरणों पर से गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहां से चला जाए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जिभ्या को काट डाले। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे, यही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे बमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वदा वेद के विधि निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक सी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरों के मार्ग की निंदा न करे। प्रवृत्ति यज्ञ यज्ञादि और निवृत्ति समदमादि रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक ही साथ एक ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो पर ब्रह्म परमात्मा है, उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, आपका ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है और यज्ञशालाओं में यज्ञान से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है? आप जैसे दुर्जनों से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। जिस प्रकार भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दक्षिणायनी दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे
उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस सब तुल्य शरीर को त्याग दूंगी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि कामादि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी, उस यज्ञ मंडप में दक्ष ने इस प्रकार कह देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंद कर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रक्तियों के बीच में ले गई। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बैठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने से इच्छा से महामनस्विनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती ने और सब ध्यान भुला दिए। उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई दे दिया। इससे वे सर्वदा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूं ऐसे अभिमान से भी मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही योगाग्नि से जल उठा। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्यमय चरित्र देखा तब वे सभी हाहाकार करने लगे और वह भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब और यही सुनाई देता था कि हाय, दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदया सती सदा ही मान पाने के योग्य थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में बड़ा ही असहर्षणु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई, तब भी इस शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस प्रकार सब लोग ऐसा कह रहे थे उसी समय शिव जी के पास सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देश अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहंतम रक्षक इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दी। अध्वर्यो भृगु ने ज्यों ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से रिभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक को प्राप्त किया था। ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया जो समस्त गुह्यक और प्रथम कण इधर उधर भाग गए। अतः चौथा अध्याय यहां समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में श्री राधे कृष्णा लिखें। जय श्री कृष्णा।